नियम विरुद्ध ट्रांसफर के विरोध में बीओबी अधिकारियों का देशव्यापी आंदोलन। 4000 से ज्यादा अधिकारियों के तबादले किए, जिनमें से 300 से ज्यादा राजस्थान के। उग्र आंदोलन की चेतावनी। ऑल इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिसर्स एसोसिएशन के राजस्थान अंचल के उपाध्यक्ष जनार्दन चतुर्वेदी ने बताया कि बैंक प्रावधान की ओर से किए गए ट्रांसफर मान्यता प्राप्त अधिकारी संगठन के साथ किए गए औद्योगिक समझौते का खुला उल्लंघन है, साथ ही ट्रेड यूनियन एक्ट का भी उल्लंघन है। बैंक प्रबंधन का अधिकार संगठन के साथ हुए समझौते के तहत एक पॉलिसी निर्धारित की गई। हाल ही में किए गए ट्रांसफर लिस्ट में इस पॉलिसी के प्रावधानों की पालना नहीं की गई, जो कतई स्वीकार नहीं है। इस तरह का उल्लंघन पहले कभी नहीं हुआ। बीओबी उच्च प्रबंधन के इस फैसले के विरोध में ऑल इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिसर्स एसोसिएशन के बैनर तले देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। राजस्थान के बैंक ऑफ बड़ौदा के सभी 800 शाखा में बुधवार को विरोध प्रदर्शन करने के साथ काली पट्टी बांध कर कार्य किया। गुरुवार 13 जून को सभी शाखा भी प्रदर्शन जारी रहा। मैं बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑल इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिसर एसोसिएशन से राजस्थान जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरा नाम यशवंत भारद्वाज है। हमारा संगठन और बैंक ऑफ बड़ौदा के सभी अधिकारी संगठन हमारे बैंक में जो ट्रांसफर पॉलिसी का वायलेशन हुआ है उसको लेकर उद्वेलित हैं, और हमारे बहुत सारे कंसर्न हैं जो बैंक से हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन से हम समय समय पर डिस्कस करते रहते हैं। जैसे कि स्टाफ की शॉर्टेज की वजह से हमारे अधिकारी साथियों पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है। एक दो तीन आदमियों का काम एक एक हमारे साथी को करना पड़ रहा है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी हमारी मांगे हैं, ऑपरेशनल इश्यूज को लेकर भी हमारी मांगे हैं। लेकिन अभी जो बैंक में ट्रांसफ़र किए गए हैं वो अचानक और अगेंस्ट दी पॉलिसी किए गए हैं। ऐसा कोई प्रोविज़न हमारी पॉलिसी में नहीं है कि 10 साल के बेसिस पे एक जोन से उठा के दूसरे जोन लोगों को भेज दिया जाए। लेकिन अभी हमारे यहाँ जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग नीड बेस, बैंक के नीड के बेसिस पे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। और ये जो पॉलिसी है वो हम अधिकारी संगठनों के साथ बैठ कर म्यूचुअली डिस्कस करने के बाद, कंसल्टेशन करने के बाद बनाई गई है। लेकिन इस बार के ट्रांसफ़र उस पॉलिसी के केस किए गए हैं, तो उसमें कोई प्रोविज़न नहीं है 10 साल का। 10 साल के प्रोविज़न की वजह उठा के लोगों को यहाँ से दूर सुदूर एरिया में, लखनऊ, गुजरात, राजकोट, हैदराबाद, उसके बाद हैदराबाद से यहाँ, पुणे से लोगों को यहाँ भेजा जा रहा है। जबकि लोगों को इसके ऑपरेशनल इश्यूज, इसके नॉर्मल फिजिकल इश्यूज हैं और जैनिक जीवन के इश्यूज हैं। इसमें आपकी, हमारी अपनी निजी लाइफ है, हमारे बच्चे हैं, परिवार है, माँ बाप हैं, उनकी जिम्मेदारियाँ हैं, बच्चे स्कूल एडमिशन, अब जो समय है उसमें बच्चों का सबको, सभी अधिकारियों ने करीब करीब स्कूल एजुकेशन एकेडमिक सेशन शुरू होने वाला है, तो सबके एडमिशन करा दिए गए हैं। और इस समय पे इस तरह से बिना किसी इंटीमेशन के ट्रांसफ़र है वो गलत है। इसको लेके हमारे अधिकारी संगठन उद्वेलित हैं और हमारा सिम्बॉलिक शांतिपूर्ण जो एजिटेशन प्रोग्राम है वो हमारे संगठन ने इसका निर्णय लिया है। और हम आज उसी की कड़ी में एक धरना प्रदर्शन शाम को 5:30 बजे हमारे अंचल कार्यालय पर, राजस्थान दुर्गापुरा बैंक ऑफ बड़ौदा अंचल कार्यालय पर हम करेंगे। और उसके बाद जो हमने बैंक को नोटिस दिया है उसमें एक महीने की नोटिस हमने बैंक को दिया है, और 12 जुलाई को देश भर में एक पूर्ण एक दिन का स्ट्राइक बैंक ऑफ बड़ौदा में, ऑल इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिसर एसोसिएशन के तत्वाधान में सभी मेंबर्स के द्वारा किया जाएगा। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी का वायलेशन नहीं हो। हमारी एक बोर्ड के द्वारा अप्रूव और एसोसिएशन और संगठनों के द्वारा आपस में म्यूचुअल कंसल्टेशन के साथ बनाई गई ट्रांसफ़र पॉलिसी है, उसी के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र पॉलिसी होनी चाहिए, ट्रांसफ़र होने चाहिए। उसमें जो पॉलिसी में जो प्रोविज़न दिए गए हैं लोगों की नीड को देख के, बिजनेस की नीड को देख के और उन सभी चीज़ों को देख के हमने एक अच्छी पॉलिसी, इंडस्ट्री लेवल बेस्ट पॉलिसी हमारे यहाँ बैंक में है, उसका वायलेशन नहीं होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग हमारे ट्रांसफ़र होने चाहिए। हम की अधिकता के कारण लेट 8-9 बजे तक बैठना पड़ता है। हम वो सबका विड्रॉल कर रहे हैं बैंक से, और विड्रॉल के साथ साथ ही अगर हमारी मांगे पूर्ण नहीं होती हैं तो हम इसमें आगे आंदोलन और उग्र करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, 12 जुलाई को हमारे संगठन ने एक देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है, पूरे एक दिन की हड़ताल के लिए 12 जुलाई को करेंगे और आगे की विवेचना करेंगे। बजाज सेकेंड लार्जेस्ट बैंक है और हमारे बैंक की सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, लेकिन हम नहीं चाहते जनता को किसी तरह की कोई समस्या हो, इसीलिए हमारा जो प्रदर्शन अभी तक है वो सांकेतिक है।
और हम चाहते हैं एजुटेशनल प्रोग्राम के तहत और ऑर्गेनाइजेशन से बातचीत के तहत टेबल पर बैठ के इन चीज़ों को सुलझाया जा सके, लेकिन आम जनता को हम नहीं चाहते किसी तरह की कोई समस्या हो। लेकिन अगर बैंक में हड़ताल होती है तो डेफिनेटली बिजनेस बाधित होगा और हजारों करोड़ का बिजनेस उससे एक दिन में बाधित होने की संभावना है।